शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 85 केंद्रों पर 12,509 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में मात्र 3,561 और सेकेंड डोज लेने वालों में 8,948 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अभी भी प्रथम डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम है। सीएमओ ने लोगों से कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं तथा समय से अपना दूसरा डोज अवश्य लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 56 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इधर त्यौहार की वजह से बूथों पर लोगों का आना भी कम हो गया है। 37,000 का लक्ष्य है, तो त्यौहार खत्म होने के बाद लोग बूथों पर आना शुरू हो जाएंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे। सर, आने वाले दिनों में दीपावली है, छठ है, इसमें काफ़ी भीड़ होती है, संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। हाँ, आने वाले दिनों में त्यौहारों की वजह से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इससे कोरोना फैलने के चांसेस रहते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखें और जब भी मिलें तो मास्क लगा के मिलें और समय समय पर हाथ धोते रहें। जो भी बाहर से व्यक्ति गांव घर में आ रहा है या गांव में आ रहा है, उससे 14 दिन की का दूरी मेंटेन करके रखें, जिससे उससे अपने घरों में और गांव में फैलने की संभावना कम रहेगी।